हेलो गाइस, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। आप वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ आपको सारे जवाब मिलेंगे। आज हम बात कर रहे हैं ट्रैवल इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में सफ़र करना चाहिए? अगर तो आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है तो ये सवाल ही मत पूछें, आपको इजाज़त नहीं मिलेगी। पर अगर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है एंड यू थिंक के आपको ज़रूरी कहीं जाना है, उस पर भी अच्छी तरह सोचो, जाना कितना ज़रूरी है। फिर अगर आप समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है तो आपने अपने डॉक्टर से फिर भी बात कर लेनी है कि जी मुझे मजबूरी है, मुझे ट्रैवल करना है, मेरा एक चेकअप कर लें ताकि मैं ट्रैवल के शुरू कर सकूं, और अगर कोई खास हिदायत है तो आपको दें। आपने ये करना है कि अपनी फाइल की कॉपी उठा लेनी है, कॉपी करा के वो लेके जानी है, ओरिजिनल फाइल ना लेके जाएं। 50% ऑफ द टाइम पेशेंट वहीं भूल आते हैं। फिर आपने वहां के लिए पता करना है आपके करीबी हॉस्पिटल कहाँ है, आपके इमरजेंसी में कहाँ जाना है, आपको पता होना चाहिए ताकि आप जब वहां पहुंचे तो आप सुकून से वहां अपना टाइम गुजार सकें। कोशिश करें कि वहां ज्यादा दिन का स्टे करें, ये नहीं कि सिर्फ आना जाना करें। अगेन, बॉडी को जितना कम स्ट्रेस डालेंगे उतना अच्छा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो जगह ऐसी होनी चाहिए कि अगर वहां आपको प्रॉब्लम हो और आपको डॉक्टर कहे कि अब आपने नहीं ट्रैवल करना, 2 हफ्ते नहीं ट्रैवल करना, 1 महीने नहीं ट्रैवल करना, तो फिर आप वहां रुक सकें। आप वापस कैसे आओगे अगर आपको वहां स्पॉटिंग हो गई या ब्लीडिंग हो गई और डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट कह दिया। सो अगर आप डॉक्टर से एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में सवाल करते हैं कि इज इट सेफ, मैं क्या सेफली ट्रैवल कर सकती हूँ, तो गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। आपको खुद समझदारी से फैसला करना है और डॉक्टर आपको गाइड ही कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट ट्रैवल। जाना जरूरी है तो सोच समझ के प्रिपरेशन के साथ जाओ। अब एक खास बात जिस पे मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताना चाहती हूँ इस एयर ट्रैवल, और एयर ट्रैवल वो भी कि जो कि लंबा ट्रैवल हो। उसमें आपने अपने पानी की इंटेक बहुत अच्छी रखनी है, आपने जब जरूरत पड़े वॉशरूम जरूर जाना है। और एक होते हैं ब्लड क्लॉट्स या डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो टांगों की वेन्स में बनते हैं, ये इनका रिस्क प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा हो जाता है। आपने जहाज में बैठने के बाद अपने फोन पे बेशक टाइमर लगा लो 2-2 घंटे बाद का, आपने उठ के चलना है। चल फिर ना सको तो पाँव अपने ऊंचे ऊपर नीचे करने ताकि आपके जो पिंडलियां हैं, जो काव्स के मसल्स हैं, वो एक्सरसाइज हों। ये खास तौर पे एयर ट्रैवल में ये रिस्क बहुत बढ़ जाता है। सो इट्स ओके इफ यू हैव टू ट्रैवल, बट अगर आप सिर्फ शुगर के लिए कहीं जाना चाहते हो तो प्रेगनेंसी मे नॉट बी द राइट टाइम टू गो। हैविंग सेड दैट, बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, कोई मसला नहीं होता, खैर से वापस आ जाते हैं। सो मैं ये नहीं कह रही कि आप ट्रैवल करोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं सिर्फ कह रही हूँ कि अगर ट्रैवल करना है तो बहुत सेफली ट्रैवल करना है। थैंक यू। सब्सक्राइब टू माई चैनल, कीप फॉलोइंग मी ऑन सोशल मीडिया फॉर टन्स ऑफ कॉन्टेंट एंड आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चन। डू इट नाउ।